देखो आप बड़े अच्छे से समझाया, पढ़ने को चाहो तो पढ़ भी सकते हो जूम करके। इन एंड विद इन, देखो ध्यान देना, अगर फ्यूचर टेंस में इन और विद इन का प्रयोग करते हो तो तुम्हें ध्यान देना होगा कि उसमें कंसेप्ट क्या है। पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाना होता है, जैसे देखो हम लोगों ने टेंस में पढ़ा है ना, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब 2 घंटा, 4 घंटा, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 2 महीने, 2-4 महीने। पॉइंट ऑफ टाइम दो बजे से, 3 बजे से, फरवरी से, सोमवार से, ठीक है। तो कहा कि जब वाक्य में फ्यूचर टेंस का प्रयोग हो और पीरियड ऑफ टाइम आए तब इनके बाद का बोध होता है और विद इन से पहले का। बात समझना मेरी बात, अगर तुम्हें पीरियड ऑफ टाइम दिखाना हो और अगर तुम इन लगाते हो, उल्टा चलता है, इन लगाते हो, ठीक है, इन लगाते हो तो तुम्हें बाद का कंसेप्ट होगा और विद इन लगाते हो तो पहले का कंसेप्ट होगा। देखो जरा, देखना, ही विल कम इन ए वीक, इसका मतलब हुआ कि वह 1 सप्ताह के बाद आएगा। इसका मतलब ये मत समझना कि वो 1 सप्ताह में आ जाएगा। ही विल कम इन ए वीक मतलब, देखें आप, ही विल कम इन ए वीक मतलब 1 सप्ताह के बाद, हमने लिख दिया। और आपने कहा ही विल कम विद इन ए वीक, देखिए यहां इन लगाया तो बाद का सेंस दिया, हमने कहा ना पीरियड ऑफ टाइम है तब इन आता है, इन के बाद का बोध होता है और विद इन में पहले का बोध होता है, ठीक है। इन में बाद का बोध होता है, विद इन में पहले का बोध होता है। आपने कहा ही विल कम इन ए वीक मतलब वह 1 सप्ताह के बाद आएगा। आपने कहा ही विल कम विद इन ए वीक, इसका मतलब हुआ कि वह 1 सप्ताह के पहले आएगा। बात समझ में आ गई आपको? मैंने कहा ना आपको इस चीजों पे कंसंट्रेट करना है। अगर आपने कहा ही विल कम विद इन ए वीक मतलब 1 सप्ताह के पहले आएगा, आपने कहा ही विल कम इन ए वीक 1 सप्ताह के बाद आएगा। आगे बढ़ता हूं, इसलिए देखना एक चीज और, कभी भी बाद के सेंस में आफ्टर का प्रयोग मत करना फ्यूचर टेंस में अगर पीरियड ऑफ टाइम को दिखाना हो। देखो फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम को दिखाना हो तो आफ्टर का प्रयोग मत करना, इन्हीं का प्रयोग होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? देखो तुम्हें जैसे मैंने कहा ना भाई 1 सप्ताह के बाद, तो आप ये मत सोचना कि बाद मतलब आफ्टर, आपको यहां इन लगाना पड़ेगा, बाद आफ्टर गलत हो जाएगा, इन लगाना पड़ेगा। He will come in a week, right? साफ साफ मैंने लिख दिया हूं आपके लिए, जूम करके पढ़ सकते हो, देख सकते हो आप। राइटिंग हो सकती है मेरी बुरी हो, लेकिन मुझे लगता है कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। इन एंड आफ्टर, ध्यान देना हमारी बात। फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने अभी कहा ना पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने देखा, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आफ्टर का प्रयोग उचित है। जैसे देखिए हमने कहा था ना 6 बजे से, सोमवार से, मंगलवार से, अब देखिए ही विल कम आफ्टर 6 PM, सही है। देखिए कंसेप्ट क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम आया है, पॉइंट ऑफ टाइम में आप आफ्टर लगाओ, उचित है। पास्ट टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के साथ, ध्यान देना मेरी बात, ये तो हम लोगों ने अभी तक फ्यूचर टेंस का भी ध्यान रखना है आपको। प्रीपोजिशन टेंस के अनुसार भी यूज होता है, अभी हम लोगों ने पीछे भी फ्यूचर टेंस ही देखा था। अब हम लोग फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने देखा कि आफ्टर का प्रयोग होता है, ठीक है, लेकिन पास्ट टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के साथ इन या आफ्टर का प्रयोग कैसे करते हैं ये आपको देखना है। देखिए जरा, ही केम इन अ वीक या ही केम आफ्टर ए वीक, ठीक है, पास्ट टेंस में है, ही केम इन अ वीक, ही केम आफ्टर ए वीक, ठीक है, ओके। देखिए पास्ट टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आफ्टर का प्रयोग इस प्रकार होता है, ही केम आफ्टर 9 AM, देखिए इट्स ओके। मैंने कहा था फ्यूचर में आप नहीं, लेकिन यहां पे आप कर सकते हैं कि भाई वो 9 बजे के बाद आया, ही केम आफ्टर 9 AM, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है फ्यूचर में करते हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा। फ्यूचर में देखिए मैंने कहा था
कि अगर आफ्टर दिए ही विल कम, आफ्टर यहां नहीं लगाएंगे, ये गलत है, यहां आपको इन लगाना पड़ेगा। बाद का सेंस देगा, ये कहेगा कि वो एक सप्ताह के बाद आएगा, लेकिन आप यहां इन लगाएंगे फ्यूचर में, लेकिन पास्ट में यहां आपने आफ्टर लगाया है बाद के लिए। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखें इन एंड ऑन, जब किसी वस्तु के एरिया का बोध हो, ध्यान देना मेरी बात को, दो शब्द को ध्यान रखना, एरिया और वॉल्यूम, एरिया वॉल्यूम, एरिया का बोध हो तो इन लगाना और वॉल्यूम का बोध हो तो ऑन लगाना, एरिया का बोध हो तो इन लगाना, वॉल्यूम का बोध हो तो ऑन लगाना, राइट। देखिए एरिया में क्या क्या आता है, इन द वर्ल्ड, इन द टाउन, इन द विलेज, इन द पार्क, इन द रूम, वॉल्यूम में क्या आता है, ऑन द वॉल, ऑन द रूफ, ऑन द सीलिंग, ऑन द फार्म, ऑन द फील्ड, इन वाक्यों को देख लो, हॉर्सेज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, एरिया का बोध करा रहा है, प्लेयर्स आर प्रैक्टिसिंग ऑन द फील्ड, वॉल्यूम का बोध करा है, क्योंकि एक सर्टन ग्राउंड है डियर, वो एक सर्टन वॉल्यूम है, फील्ड की एक सर्टन वॉल्यूम होती है, मैंने आपको पीछे कहा है ना, देखे आप, ये देखिए, ऑन द वॉल, ऑन द रूफ, ऑन द सीलिंग, ऑन द फार्म, ऑन द फील्ड, वो जो एक फील्ड है ना, वो सर्टन फील्ड है जहां वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो घोड़े चल रहे हैं ना, उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, उसकी कोई बाध्यता नहीं है डियर, वो पूरे खुले में चल रहे हैं। ठीक है, तो हॉर्सेज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, एरिया का बोध आया, इन लगाया, प्लेयर्स आर प्रैक्टिसिंग ऑन द फील्ड, सरफेस और वॉल्यूम का बोध हुआ, बाउंड्री एक लिमिटेशन है डियर, ठीक है, उसके आगे वो नहीं प्रैक्टिस कर सकते। ठीक है, हाँ आगे आता हूं, फॉर, फॉर का प्रयोग उद्देश्य पर्पज के भाव से करते हैं, जैसे अगर आपको कहना हो कि भाई ये किताब तुमने क्यों खरीदी है, ये अब तुमने कहा कि ये किताब मैंने बच्चों के लिए खरीदी, ये मिठाई, ये चॉकलेट मैंने बच्चों के लिए किया, तो जो पर्पज है, आई बॉट स्वीट्स फॉर चिल्ड्रेन, पर्पज है आपने लगाया। अब देखिए के लिए की ओर का भी कंसेप्ट आता है, जैसे आई सेट आउट फॉर होम, ठीक है, मैं घर को घर की ओर निकल लिया, ठीक है, मैं घर की ओर निकल गया, आई सेट आउट फॉर होम, ठीक है, के कारण के लिए भी बोध होता है, जैसे आपने कहा कि वो एक काम करते हैं,